दोस्तों आपको बता दें कि भारत को खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, लेकिन निशान संधू को पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। तो आपको इस वीडियो में निशान संधू ने पूरे टूर्नामेंट में कैसे क्रिकेट खेला इस बारे में बताएंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको क्रिकेट से जुड़ी हर खबर मिलती रहे और आप कोई भी खबर मिस ना करें। दोस्तों आपको बता दें कि इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया है। इस मैच में भारत को 128 रनों के बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा। पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 352 रन बनाए। इस तरह भारतीय टीम के सामने 353 रनों का लक्ष्य था, लेकिन यशदुल की अगुवाई वाली भारतीय टीम 40 ओवर में मैच 224 रनों पर सिमट गई। बहरहाल भारत को खिताबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन निशान संधू को पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। इस खिलाड़ी ने पूरे टूर्नामेंट में गजब का खेल दिखाया। दरअसल आंकड़े बताते हैं कि निशान संधू ने इमर्जिंग एशिया कप 2023 में सबसे ज़्यादा विकेट झटके। इस खिलाड़ी ने 5 मैचों में 11 विकेट अपने नाम किया। दोस्तों आपको बता दें कि इमर्जिंग एशिया कप के 5 मुकाबलों में निशान संधू ने 33.2 ओवर फेंके। इन 33.2 ओवर में निशान संधू ने 11.82 की शानदार एवरेज से 11 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मुकाबले में निशान संधू ने 9 ओवर में 48 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किया। दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।